let us begin with next question. The edge of an aluminium cube is 10 centimeter long. एक क्यूब है उसका एज का लेंथ 10 सेंटीमीटर है. वन फेस ऑफ द क्यूब इज फॉर्मली फिक्स टू अ वर्टिकल वॉल. अब तक हम लोग क्यूब का बेस फिक्स कर रहे थे, अब इसने बोला है वन ऑफ द फेस इज फिक्स टू अ वर्टिकल वॉल. बेस फिक्स करना मतलब हॉरिजॉन्टल वॉल पे फिक्स करना, और यहाँ पे वर्टिकल वॉल पे फिक्स किया है. तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है. अ मास ऑफ 100 किलोग्राम इज अटैच टू द अपोजिट फेस. तो जो साइड फिक्स किया उसका अपोजिट वाला जो फेस है वहां पे 100 किलोग्राम का मास लगा दिया. द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस ऑफ क्यूब. ओके, तो ये पूछा है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस ऑफ क्यूब इज, डबल प्रिंट हो गया कोई बात नहीं. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना है ऐसा पूछा है. गिवन दैट जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको शेयर मॉड्यूलस दिया है मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया है 25 GPa. कैपिटल जी मतलब गीगा होता है, गीगा मतलब 10^9 होता है. तो 25 × 10^9, तो कैपिटल जी स्टैंड फॉर 10^9 गीगा, एंड कैपिटल एम स्टैंड फॉर मेगा 10^6. तो आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू बता दी. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या एग्जैक्टली. तो बेसिकली यू हैव अ क्यूब, तो हमारे पास है एक क्यूब. We have a cube. तो let's say we have a cube something like this. अब तक जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था किसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, उसमें हमने किसको फिक्स किया था, बेस को. बेस मतलब बॉटम को. ओके, देन इन दिस केस, इन दिस केस क्या होगा, हम लोग वर्टिकल वॉल पे फिक्स कर रहे हैं. बेस को फिक्स करने की जगह पे हम लोग एक फेस है उसको वर्टिकल वॉल पे फिक्स कर रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दिस ऐसा है. तो व्हाट यू हैव डन इज, आपने इस साइड को फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया. तो इसको रिवाइट करना भी बोलते हैं, इट इज फिक्स्ड ओवर हियर. एंड इसका जो अपोजिट फेस है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट फेस जो है, अपोजिट वहां पे तुमने एक 100 किलोग्राम का लोड लगा दिया, और तुमने जब लोड लगाया यहाँ पे 100 किलोग्राम का, तो बेसिकली ऐसा इमेजिन कर लो कि तुमने ऐसा कोई लोड लगाया होगा, तो ये 100 किलोग्राम का लोड हो गया. तो क्या होगा, दिस लोड एक्ट एज अ टेंजेंशियल फोर्स. याद है हमने जब बेस फिक्स किया था ऊपर के सरफेस से फोर्स लगाया था, वो कैसा था, टेंजेंशियल. तो पूरा क्यूब शिफ्ट होता है सिर्फ बेस छोड़ के, मतलब शेप चेंज होता है. यहाँ पे जो वर्टिकल वॉल पे साइड है वो छोड़ के पूरा का पूरा हर एक लेयर शिफ्ट होगा. तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, तो शिफ्ट हो जाएगा. सॉरी, कुछ और ही शिफ्ट हो गया है. तो फाइन फाइन फाइन, ठीक है. तो दिस इज हाउ इट विल शिफ्ट. एनीवेज समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो वापस ड्रॉ कर देंगे, आ जाएगा वैसे. गुड, तो ऐसा शिफ्ट हो गया. वो थोड़ा देख लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, डायग्राम नहीं समझ में आता सिर्फ, और डिफरेंस यही है कि यू हैव टू इमेजिन. तो रिमेम्बर जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, याद है क्या, डेल्टा एल. और जो ओरिजिनल लेंथ होता है इसको क्या बोलते हो, एल. तो डिस्प्लेसमेंट और ये एल, तो ये एंगल कितना रहते हैं, थीटा. सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज है. आप सेम क्वेश्चन बेस फिक्स करके भी यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. अभी आगे क्या बोला है, आपको क्या फाइंड करना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन. मतलब तो क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या फाइंड करना है. डायग्राम मैंने बता दिया, वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा एल. तो डेल्टा एल फाइंड करना है आपको. तो अभी आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल एल की वैल्यू दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है आपको, और जी की वैल्यू है. तो हाउ विल यू फाइंड आउट डेल्टा एल, विच फॉर्मूला, शियर मॉड्यूलस. शियर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, ईटा इक्वल टू शियर स्ट्रेस मतलब एफ टी बाई टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन शियर स्ट्रेन. व्हाट इज शियर स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है. तो ईटा इक्वल टू
एफ टी एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो व्हाट इज डेल्टा एल फ्रॉम हियर? एफ टी एल बाय ए ईटा, करेक्ट। ये क्यूब है, और कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें क्यूब नहीं था, ये क्यूब है, तो एरिया क्या आएगा? एल स्क्वायर। एरिया किसका? जिस फेस पे फोर्स लग रहा है, इस फेस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन ये क्यूब है, तो ये साइड एल है, तो ये साइड भी क्या है? एल। तो ये जो फेस है इसका एरिया क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो एरिया की जगह पे क्या लिखोगे? एल स्क्वायर। तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ टी एल अपॉन एल स्क्वायर ईटा, एल स्क्वायर ईटा। एल एक और एक एल हो गया कैंसल आउट। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो कहाँ से आएगा? लोड से। लोड क्या होता है? वेट। वेट क्या होता है? एम जी। तो ये बन गया एम जी अपॉन एल ईटा। एम की वैल्यू दी है 100 और जी की वैल्यू दी है 10। लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10^-2 मीटर, मतलब 10^-1 मीटर। और ये जो ईटा है वो 25 GPa था, जीपीए, जी मतलब गीगा। ठीक हो गया। अब एक काम करना, ये 1 और ये 4 था, नीचे 10^8 है, ऊपर जाके -8, तो -7। तो 4 × 10^-7 मीटर या फिर 40 माइक्रोमीटर, क्योंकि 14 × 10^-6 ना, पक्का गलत बता रहे हो, ऐसा आएगा क्या? 0.4 माइक्रोमीटर आएगा वो। तो देख लो आंसर क्या है। 4 × 10^-7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 15 किलोग्राम मास फास्टन्ड टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर, 15 किलोग्राम का मास है फास्टन्ड, मतलब बांध दिया टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर, ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ। अनस्ट्रेच लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ, कैपिटल एल, कितना है? 1 मीटर। इट्स वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के कुछ कॉन्सेप्ट आपको 12th में आने वाले हैं, 12th में फर्स्ट चैप्टर, लेकिन अभी क्वेश्चन है तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना। द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इलॉन्गेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज, जी की वैल्यू दी है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको दी है। तो वापस एक बार पहले क्वेश्चन के अच्छे से समझ लेते हैं। 15 किलोग्राम मास फास्टन्ड एट द एंड ऑफ वायर, 15 किलोग्राम का मास है जो वायर के एक एंड पे बांध दिया, फास्ट एंड मतलब बांध देना। तो हमारे पास एक डेमो के लिए वी कैन टेक दिस वन, ये वायर है, उसके नीचे 15 किलोग्राम का मास, ऐसा इमेजिन कर लो, ये 15 किलोग्राम है ऐसा मान लो। क्या बोला है आगे? ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ, मतलब जो वायर का ओरिजिनल लेंथ था वो कितना था? 1 मीटर। इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, वर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में उसको घुमा रहे हो, तो ऐसा वो घूम रहा है, वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल सर्कल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए इक्वेशन अलग बनते हैं, वर्टिकल के लिए अलग बनते हैं। तो डू नॉट कंफ्यूज दिस विद हॉरिजॉन्टल, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक, तो वर्टिकल सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो रेडियन पर सेकेंड, एक होता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड बोला होगा तो डायरेक्टली ओमेगा दिया है, और अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड बोला होगा तो फ्रिक्वेंसी दिया है, क्योंकि 1/सेकेंड किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्मॉल एन है या फिर एफ, दिस इज नॉट ओमेगा। ओमेगा कैसे फाइंड होता है? 2 पाई एफ या फिर 2 पाई एन। गुड, तो याद रखना जब रिवोल्यूशन पर सेकेंड बोला हो तो वो होता है फ्रीक्वेंसी एन या फिर एफ, और अगर रेडियन पर सेकेंड दिया हो तो वो क्या होता है? ओमेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा, 12th के पहले चैप्टर में भी होगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, वायर का एरिया दे दिया। इलॉन्गेशन ऑफ द वायर When the mass is at lowest point of its path, ये important है। Elongation कब पूछा है? When the mass is at lowest point of its path, very 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 important। तो वो last जो 5-6 words है वो बहुत important है, मतलब ये बोल क्या रहे वो देख लेते हैं हम लोग। तो आइडिया इज दिस, हमारे पास एक वायर था, वायर के नीचे हमने 15 किलोग्राम का वेट लगा दिया,
और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे थे। तो 15 किलोग्राम का वेट लगा दिया, ऐसे इमेजिन कर लेना। यहाँ पे ये 15 किलोग्राम का वेट है, इसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे थे विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ टू, विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, टू। तो आपको एन है 2, और इसको लिखते हैं आरपीएस, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा, दैट इज 2 पाई एन, मतलब 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा। गुड। तो जब ये मास अपने लोएस्ट पॉइंट पे था तो कितना लेंथ चेंज हुआ, ऐसा आपसे पूछा है, और यंग्स मॉड्यूलस दिया है। तो सबसे पहले ये बताओ कि यंग्स मॉड्यूलस दिया है और लेंथ में चेंज पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यंग्स मॉड्यूलस का? दैट इज वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो व्हाट इज डेल्टा एल? एफ एल अपॉन ए वाई। डू यू नो एल? यस, 1 मीटर। डू यू नो ए? दिया है। डू यू नो वाई? यस। व्हाट यू डोंट नो इज फोर्स। तो दिस इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर देखो कि क्या पूछा है। डेल्टा एल यंग्स मॉड्यूलस दिया है, तो यंग्स मॉड्यूलस में डेल्टा एल आता है, मतलब डेल्टा एल का फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या नहीं पता, सिर्फ एफ नहीं पता। अब एफ पॉइंट करो लोएस्ट पॉइंट पे। अब लोएस्ट पॉइंट पे एफ क्या आएगा वो समझ लो। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कहीं पे भी हो, ऊपर हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, कहीं पे भी हो, वेट मतलब एम जी, डायरेक्शन क्या होता है एम जी का? वर्टिकली डाउन, हमेशा ऐसा होता है। ओके, ये अगर ऊपर भी होता तो भी वेट एम जी नीचे होता, लेकिन टेंशन इन द स्ट्रिंग उसका डायरेक्शन कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टुवर्ड्स सेंटर, बराबर। गुड, यहाँ तक क्लियर। अब मोशन कौन सा है? सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स एसेंशियल होता है? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर कौन है? टी। अवे कौन है? एम जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंट्रिपेटल फोर्स कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर। तो तुमको सर्कुलर मोशन के लिए ऐसा फोर्स चाहिए जो कहाँ होना चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन बॉटम पे जब ऑब्जेक्ट था उस पर कौन से दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं? टी विच इज टुवर्ड्स सेंटर और एम जी विच इज अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी, टी, सिर्फ टी। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट, मतलब वो उसके साथ रिलेट कर सकते हो, जब भी एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, नीचे नेट फोर्स कहाँ है? नीचे। तो क्या लिखते हो? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, ऐसा लिखते हैं ना। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो क्या लिखते हो? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पे नेट फोर्स कौन सा? सेंट्रिपिटल। वो कहाँ होना चाहिए? टुवर्ड सेंटर। तो टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स है, लेकिन अपोजिट कौन है? तो नेट फोर्स क्या आएगा? टी माइनस एम जी। वेरी गुड। पर सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस केस इज टी माइनस एम जी, ऐसा आएगा, बराबर। और जो हमको इस इक्वेशन में फोर्स चाहिए ना, इस फोर्स को टेंशन ही बोलते हैं, क्योंकि ये टेंशन फोर्स ही होता है। तो तुमको टेंशन ही फाइंड करना था टी। और अगर आपको याद होगा सेंट्रिपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूला थे, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी ओमेगा। तो मैं यूज कर लूंगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप बोलोगे एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे ओमेगा पता है, क्योंकि मुझे आर भी पता है। आर क्या होगा? जो वायर का लेंथ था वो दिया है, कितना दिया है? 1 मीटर। तो जो हमको पता होता है वो ही यूज करते हैं ना हम लोग। तो मुझे आर पता है, मुझे ओमेगा पता है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस एम जी। तो टी क्या हो गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी, आ गया। गुड। ओके, तो एम कॉमन निकाल लो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। टेक आउट एम, एम कॉमन। तो टी इक्वल टू एम कॉमन आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जी, हो गया। गुड। देन अब मिल जाएगा यहां से टेंशन। मास कितना दिया हुआ है? 15, 15 बोला है ना, 15 kg। यस। आर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब 1, ओमेगा मतलब 4 पाई इसका स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी बोली है? 10। तो टी इक्वल टू 15, 4 स्क्वायर 16, पाई स्क्वायर प्लस 10। आपको पता है पाई स्क्वायर की रफ वैल्यू कितनी होती है?
अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 होती है वो, तो 16 इंटू 10 160 प्लस 10 170, तो 15 इंटू 17 इंटू 10, क्योंकि ये 170 था। 17 15 का कैसे निकालते हो, 17 10 का 170 और 170 का आधा 85, बराबर। तो व्हाट इज 170 प्लस 85, 255। तो ये आ गया 2550 न्यूटन का टेंशन फोर्स मिल गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट पुट वैल्यूज हियर, तो यू विल हैव डेल्टा एल इक्वल टू टेंशन इज 2550 इंटू लेंथ इज 1 मीटर, एरिया कितना है, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10^-4, और 0.05 का 5 × 10^-2 और 10^-4, तो 10^-6, तो ये एरिया आ जाएगा 5 × 10^-6 इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 2 × 10^11। तो ये हो गया नीचे 10, नीचे 10 हो गया, 10 10 10 और 10^11, 10^12 उसमें से 6 गए, 10^6, 10^6 ऊपर गया तो -6। तो डेल्टा एल इक्वल टू 2550 × 10^-6, देख लो मिल गया आंसर 2.52 mm। mm में कैसे आया, तो 10^-6 के और 10^-3 इसको दे दिया, तो 2.55 × 10^-3 आ गया। तो डेल्टा एल आ गया आपके पास 2.55 × 10^-3 मतलब मिलीमीटर, तो मिलीमीटर ऑप्शन नंबर सी। हमारा एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले ली, पाई स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली 10 नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बेंड। मतलब हमने उसको एक्सटेंड नहीं होने दिया, उसको बेंड भी नहीं होने दिया। द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इज, यंग्स मॉडुलस दिया है आपको और लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट भी दिया है स्टील का। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगला चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसके कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, वन इन मरुण पीछे, यस मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको, व्हाट डू यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द अपकमिंग चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो उसके कॉन्सेप्ट लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा पिछला जो क्वेश्चन था उसके लिए 12th का कॉन्सेप्ट चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए अगला चैप्टर का चाहिए। तो फटाफट से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या बोला है वो समझ लो, हमारे पास एक स्टील रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रिंट नहीं हुआ लेकिन वैल्यू दिए होनी चाहिए थी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू शुड बी गिवन, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, बट वील सी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो प्रिंट नहीं हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 200 डिग्री, तो 0 से 200 डिग्री तक उसको हीट किया। आपको पता है हीटिंग रॉड मतलब मेटल को हीट करते हो पता है क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो इसका मतलब डेल्टा एल आना चाहिए था, एक्सपांशन होना चाहिए था, लेकिन क्या बोला है, विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बेंड, हमने उसको एक्सटेंड होने ही नहीं दिया। अब ये कैसा करेंगे, कैसा मतलब हाउ डू यू स्टॉप अ मेटल फ्रॉम एक्सपांडिंग, तो क्या करते हैं, मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इमेजिन इसके ऊपर ना मैंने दो वर्टिकल रॉड लगा दिए, रिजिड रॉड, तो दो वर्टिकल रॉड लगा दिए। अब इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया एक मेटल का रॉड और इसको हीट कर रहे हैं। जब इसको आप हीट करोगे तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था एक्सपांशन, इसको तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये रॉड एक्सटेंड होना चाहिए था, हमने होने नहीं दिया, बाय फिक्सिंग दिस रॉड बिटवीन टू वर्टिकल सपोर्ट्स। तो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो।
फिर हमको दिया है लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट दिया है स्टील का, और यंग्स मॉड्यूलस बताया है 210:11 है, और आपको पूछा है कि बताओ क्या, बताओ टेंशन कितना है। अब देखो टेंशन कितना है, तो क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तुम एक्चुअली दो तीन टॉपिक अलग अलग अप्लाई करते हो। लुक मैं वापस से वो वायर का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैंने इस वायर के नीचे लोड नहीं लगाया तो टेंशन होगा इसमें? नहीं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग का स्लैक होना, लूज होना। अगर मैंने इसके नीचे लोड लगा दिया तो टेंशन आया? यस। कितना आया? इक्वल टू एम जी, जितना लोड है उतना, इक्वल टू एम जी। अब मैंने, मेरे पास एक रोड रॉड था, रॉड को मैंने सिर्फ दो वर्टिकल सपोर्ट में फिक्स कर दिया, टेंशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन आने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, बराबर। हमने फोर्स लगाया? नहीं, लेकिन हमने क्या किया? हीट किया। जब इसको तुम हीट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? इलॉन्गेशन, एक्सटेंशन, बराबर, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे टेंशन इज कमिंग बिकॉज ऑफ हीट एंड नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स। जरूरी नहीं है कि टेंशन हमेशा फोर्स से मिले तुमको। तुमने एक रॉड लिया, वर्टिकल सपोर्ट के बीच में लगा दिया, और तुम उसको कर रहे हो हीट, हीट करोगे तो रॉड का इलॉन्गेशन होना चाहिए था, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने उसको दो वर्टिकल सपोर्ट में फंसा के रखा है। डू यू नो व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट। वेरी गुड। तो होगा क्या? हीट करने की वजह से, बिकॉज ऑफ द हीटिंग, इट विल ट्राई टू एक्सपांड। बिकॉज इट विल ट्राई टू एक्सपांड, इट विल स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन द वर्टिकल सपोर्ट। तो ये जो रॉड है, ये वर्टिकल सपोर्ट पे फोर्स लगाने लगेगा, राइट? ये हो गया एक्शन। एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन। तो वर्टिकल सपोर्ट भी क्या करेगा फिर? रिएक्ट करेगा। तो ये जो वर्टिकल सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स होता है, तो वो है टेंशन इन दिस केस। तो यहाँ पे टेंशन फिजिकल फोर्स से नहीं आया है, हीट किया, एक्सपांड होने की कोशिश किया, एक्सपांड हुआ नहीं। तो एक्सपांड नहीं हुआ तो रॉड ने वर्टिकल सपोर्ट पे लगा दिया एक्शन, वर्टिकल सपोर्ट ने कर दिया रिएक्ट, तो बन गया रिएक्शन, और वो रिएक्शन फोर्स है टेंशन इन द रॉड। ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले तो यहाँ तक समझ में आएगा तो आगे सॉल्व होगा, ठीक है? यहाँ समझ में आ गया, मतलब तुमको फाइंड क्या करना है अल्टीमेटली? टेंशन। तो अभी हमको यंग्स मॉड्यूलस दिया है, तो जब भी यंग्स मॉड्यूलस दिया हो तो वो यूज करना पड़ता है। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? ओके, फोर्स मतलब टेंशन, वेरी गुड। फोर्स मतलब टेंशन, टेंशन इनटू लेंथ अपॉन ए इनटू डेल्टा है। मैं इसको ना ऐसा लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ फोर्स मतलब टेंशन अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। फाइंड करना है टेंशन, तो एक काम करेंगे, डेल्टा एल बाय एल वहां लेके जाते हैं, तो टेंशन टेंशन इक्वल टू वाई, तो वहां था ही, वाई वहां था ही, डेल्टा एल बाय एल भी आ गया इंटू ए भी आ गया, ए डिनोमिनेटर से सीधा गया वहां पे, तो ये आ गया ए वाई डेल्टा एल बाय एल। एरिया पता है? यस। वाई पता है? यस। क्या नहीं पता? डेल्टा एल बाय एल, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। जैसे तुमने टेंसाइल स्ट्रेन डिफाइन किया था, टेंसाइल स्ट्रेन ही है, सिर्फ इसको टेंसाइल की जगह कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है? कम। और ये जो चेंज इन लेंथ है क्यों आया? बिकॉज ऑफ हीट। इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो जो डेल्टा एल बाय एल है ना, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेन, और ये थर्मल स्ट्रेन तुमको फाइंड करना है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि थर्मल स्ट्रेन ये फाइंड कैसे करें? अब तो नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, मैं अभी बता देता हूँ। चेंज इन लेंथ मतलब इंक्रीज इन लेंथ, ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो लेंथ कितना बढ़ेगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ कितना था और टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ। तो डेल्टा एल इज प्रपोर्शनल टू एल एंड डेल्टा टी। तो अगर आपको याद है, आप जब प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो, व्हेन यू रिमूव द साइन ऑफ प्रपोर्शनलिटी, क्या लिखते हो? इक्वल टू, और साथ में लिखते हो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी है वो भी अल्फा है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो, शेप चेंज कर दिया मैंने। ये अल्फा क्या था? प्रपोर्शनलिटी का साइन था। ये कौन है? ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी, इसको पता है क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, एल डेल्टा टी। तो व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल?
व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? व्हाट इज डेल्टा एल अपॉन एल? अल्फा डेल्टा टी, बराबर। तो ये जो इक्वेशन नंबर टू है ना, इसको इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू यू हैव टी इक्वल टू ए वाई, डेल्टा एल बाय एल क्या है? अल्फा डेल्टा टी है, हो गया। अब ए पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10^-4। यंग्स मॉडल्स की वैल्यू कितने दी हुई है? 2 × 10^11। अल्फा की वैल्यू 10^-5, -5 बोला है आप, राइट। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 0 से कितना हो गया? 200। तो डेल्टा टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 200 - 0 मतलब कितना? 200। 200 हो गया, 200 × 2 = 400। 400 का 100 अलग कर लो तो 10^2 और 11 कितना है? 13। 13 में से 9 गए 4, तो 10^4 न्यूटन, 4 × 10^4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम चेंज ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 7 MPa इज, बल्क मॉडुलस दिया है आपको कॉपर का 140 GPa। तो क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में, पूछा क्या पहले वो बताओ। डीवी डेल्टा वी, द चेंज वॉल्यूम चेंज ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब, हमारे पास एक कॉपर का क्यूब था 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज, मतलब क्या? क्यूब का जो साइड लेंथ है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब, एल दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्यूब तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मैं सेंटीमीटर में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आंसर दिख रहा है आपको सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर क्यूब में ही है ना आंसर। व्हेन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ डेल्टा पी। ओके, और आपको बल्क मॉडुलस दिया है, तो क्वेश्चन सिंपल है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस, बल्क हाँ, क्या है वो? डीपी अपॉन डीवी बाय वी, तो ये वी ऊपर चला गया, ठीक है। तो डीवी क्या आ गया? वी डी पी बाय के, वी कितना है? वी कितना है? 1000। वी तो एल क्यूब हो गया ना, चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एल क्यूब हो गया वो तो। अब थोड़ा ध्यान दो, इम्पोर्टेंट क्यों है ये, कन्वर्ट हमने नहीं किया क्यों, क्योंकि डी पी चेंजिंग प्रेशर पास्कल में लिख लोगे और के भी पास्कल में लिख लोगे, पास्कल होता है ऐसा यूनिट, पास्कल पास्कल हो गया कैंसल। तो L को मैं किस में रखूंगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर किस में है? सेंटीमीटर में। ओके, तो 10 का क्यूब मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, चेंज इन प्रेशर था 7 MPa, मेगा मतलब 10^6, और K की वैल्यू थी 140 GPa मतलब 10^9। गुड गुड, तो देखो क्या 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 आंसर होता है, देख लो एक बार। तो ठीक है, ये 7 1s, ये 7 20s, ओके। उसके बाद ऊपर है 10^9, नीचे है 10^10, है ना, ये 10^9 है और ये 10^9 कर दिया कैंसल, तो 1/20 मतलब 1/2 और × 10, 10 गया ऊपर, 10^-1 हो गया, तो कितना आ गया? व्हाट इज 1/2? 0.5 × 10^-1 मतलब 5 × 10^-2 = 2 cm³, तो 5 × 10^-2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाउ मच प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन अ लीटर ऑफ वाटर इफ इट इज टू बी कंप्रेस बाय 0.1%।
बल्क मॉडल्स ऑफ वाटर इज 2100 MPa मेगापास्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है, हाउ मच प्रेशर शुड बी अप्लाइड, मतलब डीपी, ऑन अ लीटर ऑफ वाटर, लीटर मतलब वॉल्यूम, एंड आपको पता है व्हाट इज 1 लीटर इन मीटर क्यूब, 10^-3 ऑफ वाटर इफ इट इज टू बी कंप्रेस्ड बाय 0.1%। मैंने आपको बताया था कंप्रेस बाय 0.1% मतलब डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी 0.1% है, 10^-3 हो जाएगा, तो ये 0.1 इज 10^-1, और परसेंट का कन्वर्जन नंबर में 10^-2, तो डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा 10^-3। अभी भी जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम है 1 लीटर का, 1 लीटर होता है 10^-3 मीटर क्यूब, ये कन्वर्जन फैक्टर है, +3 सेंटीमीटर क्यूब -3 मीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम चेंज हुआ है 0.1% से, मतलब डेल्टा वी इज 0.1 ऑफ वी, परसेंट ऑफ वी, तो 0.1% को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हो और वी को यहाँ पे लेके आ गया, तो ये 10^-1 था और ये 100 ऊपर गया तो 10^-3 बन गया। ठीक है, हमको फाइंड करना था चेंज इन प्रेशर, तो डीपी फाइंड करना है, और बल्क मॉडुलस के होता है डीपी अपॉन डीवी बाय वी, तो डीपी इक्वल टू के डीवी बाय वी, डीवी बाय वी मतलब डेल्टा वी बाय वी, तो व्हाट इज डेल्टा वी बाय वी, 10^-3, व्हाट इज के, के कितना है, 2100 मेगापास्कल है, वो 2100 मेगापास्कल है, याद रखना 2100 मेगापास्कल मतलब 10^6, 10^6 में से 3 गया 10^3, और आंसर देख लो पहले आ गया, ठीक, तो 2100 × 10^3 पास्कल, 10^3 होता है किलो, तो 2100 KPa, किलो पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन द लोड ऑन अ वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 3 किलोग्राम वेट टू 5 किलोग्राम वेट, ये डब्ल्यू टी मतलब वेट होता है, द एलॉन्गेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 0.61 mm टू 1.02 mm, द रिक्वायर्ड वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द वायर एस। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में कुछ बेसिक पैरामीटर है वो भी पता होने चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, वापस बता देता हूँ, के जी डब्ल्यू टी, वॉट इज द सी जी एस यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन, डाइन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। एसआई यूनिट में दो टाइप के यूनिट है, एक को तुम बोलते हो लैबोरेटरी यूनिट, तो न्यूटन इज लैबोरेटरी यूनिट जो हम लोग लैब के अंदर यूज करते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फिजिक्स, एक होता है प्रैक्टिकल यूनिट। तो ये जो डब्ल्यू टी होता है ना, एमकेएस में भी सेम मिलेगा तुमको, लैबोरेटरी यूनिट इज न्यूटन एंड प्रैक्टिकल यूनिट इज डब्ल्यू टी, के जी डब्ल्यू टी, मतलब बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, व्हाट इज लोड, एम इंटू जी, तो तुम जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो, सिर्फ मास बता देते हो, उसको बोलते हो किलोग्राम वेट, सिंपल। जैसे प्रैक्टिकल यूनिट क्यों बोला है, अब वेन एवर यू गो टू बाय समथिंग, चलो तुम गए ग्रोसरी शॉप में कुछ लेने चले गए, शुगर, क्या बोलते हो, 1 किलोग्राम शुगर दे दो, कि बोलते हो 9.8 न्यूटन शुगर दे दो, नहीं बोलते ना ऐसा, तो इसलिए प्रैक्टिकली सब्जी लेने गए 2 किलोग्राम सब्जी दे दो, यू डोंट मल्टीप्लाई विद जी, तो यहाँ पे आपको बोला है ये जो के जी डब्ल्यू टी है ये प्रैक्टिकल यूनिट है, मतलब जी की वजह से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब पहले केस में फोर्स था 3 × g का, दूसरे केस में फोर्स है 5 × g का, तो 3g इज F1 एंड 5g इज F2, ये पता होना चाहिए। जब 3g फोर्स था तो इलॉन्गेशन कितना था, 0.61 mm मतलब डेल्टा L1, और जब फोर्स 5g हो गया तो कितना आ गया, 1.02 mm मतलब डेल्टा L2। रिक्वायर्ड वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज, मतलब 0.61 mm से 1.02 mm तक लेके जाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ, एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन के दो सोल्यूशन, दो टाइप से सोल्यूशन बनते हैं, देर आर टू मेथड्स, वी विल डेफिनेटली गो थ्रू सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में क्या है, देखो ऑफकोर्स आपको पता है कि ऑलरेडी पहले कितना लोड था, 3g, तब एक्सटेंशन कितना था, 0.61। मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ आपको, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा उसमें। तो लेट अस टेक इनिशियल केस, इनिशियल केस
इनिशियल केस में हमने लोड लगाया ही नहीं है, इसलिए कोई एक्सटेंशन नहीं है, देयर इज नो एक्सटेंशन इन द फर्स्ट केस। अब हमने क्या किया, अब हमने 3G का लोड लगा दिया, तो 3G का लोड लगाया तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये यह आ गया डेल्टा L1, जिसको तुम स्मॉल L1 भी बोल सकते हो, ठीक बराबर। ठीक है, तो जीरो एक्सटेंशन से डेल्टा L1 मतलब 0.61 mm तक आने में जो वर्क डन हुआ है उसको क्या बोल दिया तुमने, W1, करेक्ट राइट। तो व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम जीरो एक्सटेंशन टू डेल्टा L1 मतलब 0.61 W1। अब अगर मैं लोड बढ़ाता हूँ, तो अब और भी ज्यादा एक्सटेंशन होगा, अब क्या होगा, डेल्टा L2 हो जाएगा बराबर। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L1, 0.61। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा L2, 1.02 की 1.02 माइनस 0.61। तो एक काम करो, व्हाट यू शुड डू इज वापस से शुरू से काउंट कर लो, मतलब ओरिजिनल लेंथ से काउंट कर लो। दिस इज हाउ यू कैन मेक द आंसर शॉर्ट। तो तुम कर क्या रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो कि जब तुम पहला केस देख रहे हो तब तुम दूसरे का सोच ही नहीं रहे, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेकेंड केस। जीरो एक्सटेंशन से डेल्टा L1 एक्सटेंशन करने में कितना वर्क हुआ, W1। जब मैं सेकेंड केस देख रहा हूँ तो मैं पहला केस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। तो जीरो से डेल्टा L2, व्हाट इज डेल्टा L2, 1.02, उसमें वर्क डन कितना हुआ, W2। कितना हुआ, W2। पहले में कितना हुआ था, W1, दूसरे में कितना हुआ था, W2। जीरो से डेल्टा L1 एक्सटेंशन में कितना था, W1। जीरो से डेल्टा L2 में कितना है, तो L1 से डेल्टा L2 में कितना है, W2 माइनस W1। ऐसा सोचोगे तो स्टेप्स कम होंगे, नहीं तो फिर लंबा प्रोसेस जाएगा वो। तो यू हैव टू थिंक, जीरो से 0.61 तक W1 वर्क डन है, जीरो से 1.02 तक W2 वर्क डन है, तो 0.61 से 1.02 तक जो वर्क डन है वो क्या है, W2 माइनस W1 है। व्हाट इज वर्क डन, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, हाफ F1 डेल्टा L1 सॉरी डेल्टा L2 और A2 माइनस हाफ F1 डेल्टा L1, हाफ ऑफ कॉमन F2। व्हाट इज द फोर्स इन सेकंड केस, 5G, 5G, वेरी गुड। व्हाट इज L2, 1.02 mm में है, मुझे पता है mm हम लोग 10^-3 ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, वो ठीक है ओके। हाफ भी कॉमन निकाल लिया हमने, हाफ कॉमन निकाल लिया। व्हाट इज F1, 3G, और ये कितना है, 0.61, और दोनों में कॉमन पैरामीटर आएगा 10^-3, क्योंकि mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर जूल में है तो मिलीमीटर नहीं चलेगा उधर, ठीक हो गया। अब जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है क्या, नहीं, पर हम ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक काम करो, जी को भी कॉमन निकाल लो, और भी बेटर, जी अपॉन 2 × 10^2 −3 न्यूमरेटर में है, डिनोमेटर में नहीं है ओके, बराबर है आपको, सही है। 5 × 1.02, एक काम करो, 102 × 5 कर सकते हो, 100 × 5 कर सकते हो, 500, 2 × 5 10, तो 102 × 5 510, फिर 1.02 × 5 = 5.1, कितना हो गया ये, 5.1। वॉट इज 0.61 × 3, वॉट इज 61 देजा, 183, तो ये आ गया 1.83, 5.1 माइनस 1.83, हो गया आंसर, आ गया 5.1 × 1.83, 3.37। चलो एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए था मेरे को, ये 5.1 में से 1.8 निकाल दिया तुमने तो 3.3 आता है, रफली रफली 3.3, 3.3, 3.3 को 3.4 मान लो, 3.4 / 2 कितना होता है, 1.7, 1.7 × g की वैल्यू 10 मान लो, 17 × 10^-3, 17 × 10^-3, दिख गया आंसर, हो गया ठीक। फिर भी जस्ट फॉर योर श्योरिटी, लेट अस डू विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर एग्जैक्ट आंसर, 5.1
-1.83, 3.27 इंटू जी की वैल्यू 9.8, डिवाइड बाई टू कितना आया, 16.023। तो 16 × 10⁻³। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओके। अभी यहां पे ध्यान दो, देर आर टू थ्री थिंग्स, देर आर सम फॉर्मूलाज। दो ऐसे फॉर्मूला है जो आपको जेई नीट में उस पर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला थ्योरी में, स्टेट बोर्ड की थ्योरी में डिराइव नहीं करते, ना ही मेंशन्ड है। तो मैं बता देता हूँ अभी कौन से दो फॉर्मूला है। पहले तो एक जो ये लगेगा, फॉर अ गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस, यंग्स नाम की कोई चीज नहीं है, यंग्स मॉडुलस है वो। तो यंग्स मॉडुलस वाई इज 2.4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो वाई की वैल्यू 2.4 टाइम्स ऑफ ईटा है। इट्स पॉइजन्स रेशियो एस, इट्स पॉइजन्स रेशियो एस। तो आपको क्या पूछा है, पॉइजन्स रेशियो। देयर इज अ फॉर्मूला विच कनेक्ट्स यंग्स मॉडुलस विद पॉइजन्स रेशियो। तो वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ऐसा फॉर्मूला है। पीछे बैठने वालों का ध्यान नहीं है, क्लास में ध्यान होना चाहिए। किसके लिए, तुम्हारे मार्क्स के लिए। तो थोड़ा सा चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। तो आपको वाई की वैल्यू 2.4 ईटा दिया है, और आपको वाई का सिग्मा के साथ रिलेशन दे दिया। तो दोनों को इक्वेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 2.4 ईटा, y इक्वल 2.4 ईटा, लेकिन y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, 1 प्लस सिग्मा। कैंसल कैंसल, 1 जा 1.2 जा, तो 1.2 इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू 1.2 माइनस 1, मतलब 0.2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मिस्टर, बात करना बंद करो, हमको आगे चलना है। और 2 पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस। अभी ये दो पैरेलल और अपोजिट फोर्सेस ऐसा क्यों बोला होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ईच 5000 न्यूटन आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपर एंड द लोअर फेस ऑफ अ क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ शियर इज, हमारे पास एक क्यूब है। अभी आपको बार बार वो डायग्राम ड्रॉ करके देने की जरूरत नहीं, पढ़नी चाहिए। यू शुड नो, अगर हमारे पास एक क्यूब है और अगर हमको उसका शेप चेंज करना है, तो कम से कम बेस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और फिर आप अपर सरफेस पे एक फोर्स लगाते हो, तो उससे क्या होता है, शेप चेंज होता है। इमेजिन मैंने लोअर सरफेस को फिक्स नहीं किया और मैं अपर सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या होगा, द बॉडी विल गो इन टू मोशन। शेप नहीं चेंज होगा, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। तो जब लोअर सरफेस फिक्स नहीं होता है, तो हम लोग अपर और लोअर सरफेस दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं टू चेंज द शेप, है ना। किसके इरेजर होगा तो दे दो, बता देता हूँ क्या होता है। इरेजर, इरेजर, खोड़ रबर बोलते हैं ना उसको। गिव मी काइंड ऑफ ओके। चलो यहाँ ध्यान दो, फिजिक्स के लिए ना ये इंपॉर्टेंट है, दैट यू ऑल शुड शुड ऑफ कोर्स कनेक्ट विथ योर सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंस आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ऑफ कोर्स इलास्टिक मटेरियल। अगर मैं अभी बहुत छोटा है तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन आई विल ट्राई। अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स लोअर सर्फेस पे लगाता हूँ टू द राइट, और एक अपर पे लगाता हूँ टू द लेफ्ट, तो यू विल सी दैट द शेप स्टार्ट्स चेंजिंग। तो शेप चेंज होना मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सही है। तो रिजिडिटी मॉडुलस में शियर ये वर्ड यूज होता है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, शियर, और आपको आगे शियर मॉडुलस भी बताया है, करेक्ट, बराबर। तो
तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या पूछा क्या पहले ये बता दो। एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर, व्हाट इज एंगल ऑफ शियर? डेल्टा एल बाय एल, याद है क्या? टैन थीटा इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईटा? ये याद है तो हो जाएगा। एफ टी अपॉन ए थीटा, मतलब ए टैन थीटा, याद है क्या? बराबर है ना? तो यहाँ पे आपने लिखा था ए थीटा या ए टैन थीटा, तो थीटा लिख लो, थीटा लिख लो। तो व्हाट इज थीटा? एफ टी अपॉन ए ईटा। व्हाट इज एफ टी? 5000। डबल मत लेना, नहीं तो 5000 ऊपर 5000 नीचे 10000, ऐसा नहीं होता है। 5000 डबल नहीं ले सकते, क्यों? मैंने अभी बोला अगर लोअर सरफेस फिक्स होता तो तुम सिर्फ ऊपर के सरफेस पे 5000 न्यूटन का फोर्स लगाते शेप चेंज करने के लिए। तो नीचे का जो 5000 न्यूटन का फोर्स है वो सिर्फ इसके लिए है क्योंकि नीचे का सरफेस फिक्स नहीं है। डबल फोर्स मत काउंट करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ए ए साइड साइड लेंथ कितना है? 25। और क्यूब है तो क्यूब का एरिया कैसे निकालोगे? एल स्क्वायर निकालोगे ना, तो एफ टी अपॉन एल स्क्वायर ईटा। तो 25 सेंटीमीटर मतलब 10^-2, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड, मीटर में कन्वर्ट करके। और एटा की वैल्यू कितनी है? 80 GPa, 80 GPa, जी मतलब 10^-9। गुड, अब थोड़ा कैलकुलेशंस करना भी सीख लो, काम में आएगा। तो एक काम करेंगे, देखो ये 10^-2 है, उसका स्क्वायर 10^-4, -4, और ये 10^-10 बन गया। 10^-10 और -4, 10^-6 ऊपर गया। ऊपर गया ना? ये कितना है? ये कितना है? 10^-6 ऊपर गया, तो -6 आ गया ऊपर। अब यहां ध्यान दो, अब इंपॉर्टेंट है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास 5000 था, 5000 था ना, तो 5000 को 5 × 1000 लिखू? चलेगा। उससे बेटर 10 लिखू? यस, है ना? 100 × 10000। 10^-6 ऊपर आया था, 6 ऊपर आके -6 हुआ था, तो 10^-6 बराबर। 10^-6 को मैं 10^-7 लिख के यहाँ 0 एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? यस। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने आपको बहुत पहले बताया था शायद चैप्टर नंबर 1 में कि जब नीचे 25 आए ना ऊपर 100 एडजस्ट कर लेना, तो फास्ट काम होगा आपका। इधर 25 दो बार आया नीचे, दो बार आया, दो बार आया, 25 × 25 और 8, क्योंकि 80 का 0 तो पहले निकाल लिया था मैंने, बराबर। तो अभी देखो क्या होगा। 1 जा 4 जा, 1 जा 4 जा, 1 जा 2 जा, और ये 1 जा, और ये भी 2 जा। तो 10 × 10^-7, 10^-6 रेडियन, ऑप्शन नंबर सी।